रोहित बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर है तो फिर इनको रोकना बहुत ही मुश्किल है। मयंक बेहतर नहीं खेल रहा, अगर हाल ही में देखें तो उनकी कोई परफॉर्मेंस टेस्ट मैच में इतनी बेहतर नहीं है। सुनील गावस्कर जी को आज मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि शुभमन गिल को आप मिडिल ऑर्डर में खिला लीजिए, रोहित शर्मा से आप ओपन कराइए और मयंक अग्रवाल के साथ आप सस्टेन करिए। ये सारी सोच हमें टीम मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि टीम मैनेजमेंट तो केएल राहुल को भी नहीं खिला रहा, जिसके आप भी फैन हो। मैं तो कह रहा हूँ कि वो प्लेयर अभी तक टीम में कैसे नहीं खेल रहा, वो टीम में है लेकिन खेल नहीं। इस पर भी एक CBI इंक्वायरी बैठनी चाहिए ना वैसे, कि क्यों नहीं खेल रहे। आपके हिसाब से तो सब पे ही बैठनी चाहिए। एडिलेड में 8 विकेट से हारे थे, मेलबर्न में 8 विकेट से जीत गए। अब तीसरा टेस्ट है, तीसरे टेस्ट के लिए कपिल सर रोहित शर्मा तैयार है। क्या रोहित शर्मा टीम में अपने आप ऐसे घुसते हुए आ सकते हैं या फिर उन्हें थोड़ा सा वेट करना चाहिए? जैसी परफॉर्मेंस शायद आप देखना चाहते हैं कि मयंक बेहतर नहीं खेल रहा, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, जब आया था बहुत रन बनाए थे, अगर हाल ही में देखें तो उनकी कोई परफॉर्मेंस टेस्ट मैच में इतनी बेहतर नहीं है। हाँ, न्यूजीलैंड में भी कुछ खास नहीं खेल पाए थे और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर इस बार कम से कम अच्छा नहीं खेल। हाँ, तो अगर आप ये देखेंगे और रोहित दूसरी तरफ देखें तो बहुत ही एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और ओपनर एक अच्छा मिल जाता है तो बेहतर ही होगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर वो आ भी जाते हैं तो हमें ये नहीं कहना चाहिए मयंक अग्रवाल को इनका जी ख़त्म हो गया, नहीं। टीम में आने के लिए कुछ थोड़ी बहुत जुनून, वो स्ट्रगल जो है ना, वो बहुत मज़ेदार हेल्दी कंपटीशन है, वो होना भी चाहिए और वो टीम के लिए बहुत बेहतर है। तो रोहित का एक्सपीरियंस है, अगर उनके वो पहले 5-6 ओवर 7 ओवर निकल जाएं तो फिर वो ऐसे प्लेयर नहीं है कि आप उनको 40 पे आउट कर लेंगे, 50 पे आउट कर लेंगे, फिर आप 200 पे ही देखेंगे, 150 पे ही देखेंगे। पर सर, रोहित शर्मा के बारे में कहा जाता है कि उनकी ज़्यादातर जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो इंडियन पिचेस पर आई है, अभी इंडिया के बाहर जब वो खेले हैं तो बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए। ऐसे में आपको लगता है कि ओपनिंग, टेस्ट की ओपनिंग, वनडे और T20 की करते हैं चलो ठीक है, टेस्ट की ओपनिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, उनमें इतना एक्सपीरियंस है, कोई कमी नहीं है, ये माइंडसेट का होता है। हाँ, वाइट बॉल के किंग हैं, बाकी अगर अभी थोड़ा और बेहतर करना है। क्रिकेट तो वही है, बस वही पहले बोला कि पहले 8-10 ओवर अगर निकल जाएं, अपने आप को संभाल लें, क्योंकि इतने बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर हैं तो फिर इनको रोकना बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे अपनी क्रिकेट के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि रोहित का मुकाबला किसी से करना नहीं चाहिए, जिस दिन वो चलेंगे तो टीम एक जुट बन जाती है। पर एक राय और भी आ रही है सर, सुनील गावस्कर जी को आज मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि शुभमन गिल को आप मिडिल ऑर्डर में खिला लीजिए, रोहित शर्मा से आप ओपन कराइए और मयंक अग्रवाल के साथ आप सस्टेन करिए, शायद हनुमा विहारी को आप मिडिल ऑर्डर से हटा सकते हैं। क्या आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन क्या आपको सही लगता है? देखिए, ये सुनील गावस्कर के अपने पर्सनल ओपिनियन है, जैसे मेरी ओपिनियन है, और हमें उसके ऊपर उनकी सोच को सामने रखना चाहिए, लेकिन ये सारी सोच हमें टीम मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि टीम मैनेजमेंट तो केएल राहुल को भी नहीं खिला रहा, जिसके आप भी फैन हो। मैं तो कह रहा हूँ कि वो प्लेयर अभी तक टीम में कैसे नहीं खेल रहा, वो टीम में है लेकिन खेल नहीं। इस पर भी एक CBI इंक्वायरी बैठनी चाहिए ना वैसे, कि क्यों नहीं खेल रहे। आपके हिसाब से तो सब पे ही बैठनी चाहिए। नहीं नहीं सर, चलो CBI इंक्वायरी नहीं, पर कम से कम पता तो चलना चाहिए। बिठा दो, आपका क्या जाता है, आपका थोड़ा कुछ जाता है, जाएगा जिसकी इंक्वायरी होगी। ये भी बात है, लेकिन हम तो बातचीत करने वाले हैं। लेकिन कपिल सर, कम से कम पता तो चलेगा, एक प्लेयर आपके पास, आप एक ऐसी टीम लेकर गए हो जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा कमजोर टीम है इस टाइम पर, बैटिंग में तो कमजोर है ये तो मानोगे आप? कौन? इंडियन टीम। क्यों सर, कैच नहीं छोड़ते तो ये वाला मैच भी नहीं जीत पाते। ऐसा तो है कि अगर वो नहीं होता तो आज तक दुनिया ही नहीं आगे चल रही होती। पर आप ऐसा नहीं कहिए, देखिए कैचेस एंड रन आउट ये पार्ट एंड पार्सल क्रिकेट का है। अगर वो कैच पकड़ा जाता तो शायद बाकी टेम्परामेंट या पूरा गेम चेंज हो जाता। तो इसलिए जब आपने ख़त्म हो गया मैच के बाद तो आप गलतियां निकाल सकते हैं, अगर वो कॉट बिहाइंड ऐसे नहीं होते या विराट कोहली ऐसे शॉट नहीं खेले होते तो हम भी 200 रन और बना लेते, वो रन आउट है जिनके रहने नहीं होते तो फिर क्या होता। जो निकल गया उसके बारे में ये नहीं कह सकते अगर वो होता तो क्या होता। पर मिडिल ऑर्डर, आपको लग रहा है कि मिडिल ऑर्डर में KL राहुल की जगह वैसे बनती है?
देखिए प्लेयर बड़ा है, अगर आ भी जाता है, आज ऐसे प्लेयर हैं कि अगर नंबर 5 खेलते हैं या ओपन करते हैं कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इन सबको ओपनिंग का भी एक्सपीरियंस है, आईपीएल ने वो दे दिया। हाँ शायद उधर खेलने का तरीका अलग है, यहाँ पर रियल टेस्ट है। क्या केएल राहुल तो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में ओपन भी कर चुके हैं पहले। हाँ तो इसलिए आप उसको खिला सकते हैं। मेरे जब आप किसी के फ़ैन होते हैं ना तो आप उनकी गलतियां नहीं निकालते, आप सोचते हैं कि ये इनमें सब अच्छे पॉइंट है, लेकिन टीम मैनेजमेंट को टीम देखना होगा। लेकिन जडेजा के आने से बल्लेबाजी बैलेंस तो बना है। बिल्कुल 5 गेंदबाज के साथ हजाते हो, जैसे इस मैच में उमेश यादव इंजर्ड हो गए और कहीं आप फिर 3 गेंदबाज आए जाते तो ये टेस्ट मैच जीतना बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपका भरोसा जडेजा और अश्विन पे हैं कि ये संभाल लेंगे लोअर मिडल ऑर्डर, फिर आपको कोई चिंता नहीं ऊपर भेजने का या बीच में किसी को भेजने पर। बात करते हैं दोबारा रोहित शर्मा की। सर आपको लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन, लोग कहते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ मत करिए, यहाँ पर हनुमा विहारी ने भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मयंक अग्रवाल ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पर विनिंग कॉम्बिनेशन में है वो, तो विनिंग कॉम्बिनेशन में छेड़छाड़ आपके हिसाब से की जा सकती है? तो अगर 2 टेस्ट और हो जाए तो क्या आप सहमत होंगे कि विनिंग कॉम्बिनेशन चलने दो, विराट कोहली को भी बाहर रहने दो? ऐसा नहीं हो सकता। देखिए ये गलत तरीका है, या आप कह सकते हो कि विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है, शमी का हार्ट टूट गया, अब चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो बेहतर है वो आएगा ही आएगा, अगर जीत के बाद हो या हार के बाद। ये नहीं कि हार आती है तो आप बिल्कुल काट फाट के फेंक दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टीम की क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। और अगर इंडिया के फास्ट बॉलर्स की बात करें सर, जो टॉप 4 फास्ट बॉलर्स थे, ईशांत शर्मा थे वो नहीं है, मोहम्मद शमी थे वो नहीं है, उमेश यादव थे वो भी अब इंजर्ड हो गए, क्या आपको नहीं लगता भुवनेश्वर का नाम ले लिया करो? अरे सर वो तो हमारे मेरठ के हैं, हम उनका नाम लेना चाहते हैं पर वो खेल कर रहे हैं अभी, टेस्ट क्रिकेट वाली फिटनेस नहीं है ना। वो सेम अगर ईशांत शर्मा के पास कहें वो भी फिट नहीं है, उमेश यादव भी फिट नहीं, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, लेकिन इतने सारे जो आपके फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स हैं वो अब अनफिट हैं, तीसरे मैच में जाते हुए इंडियन टीम आपको कमजोर तो नहीं लग रही? मैं एक बात कहूँ जो शायद अलग सी लगेगी सबको, हम ढूंढा करते थे हमारे वक्त पे कि कोई ऐसा गेंदबाज हो जो 140 पे फेंक दे, अब ऐसे 4 गेंदबाज और बाहर बैठे हैं जो 140 पे गेंदबाजी कर सकते हैं। ये स्ट्रेंथ है इंडियन टीम की, इसीलिए शायद इंडियन टीम दावा कर रही है कि हम नंबर 1 टीम हैं। तो आज नटराजन को खिला सकते हैं, नवदीप सैनी को खिला सकते हैं, आपके पास बाहर प्लेयर हैं और इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जो इंजर्ड हो गया या चला गया वो चला गया, कोशिश करो कि उनको फिट करके और वापस से। ईशांत शर्मा होता तो आज कहते शायद हम इससे भी जल्दी टेस्ट मैच जीत जाते। तो चलिए, बड़ी टीम की पहचान यही होती है कि चाहे भले ही कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो, टीम नहीं रुकती, टीम का रौला नहीं रुकता, और शायद हार जीत के ऊपर टीम नहीं बनती। ये नहीं, जो आपने प्रश्न पूछा है क्या ये कॉम्बिनेशन रहे विनिंग कॉम्बिनेशन, जी एक हद तक आप मान सकते हैं, और जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा उसकी बाहर जगह है, और जो बाहर बैठे हुए हैं उनको मौका देना ही सबसे बड़ी बात है इस क्रिकेट में। तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं और मुझे लगता है आप बदल देंगे कर्मा, क्योंकि टीम में आने वाले हैं रोहित शर्मा। बाकी क्रिकेट से रिलेटेड सभी न्यूज यहां पर आपको मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखते रहिए क्या, अनकट क्रिकेट।